ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बाबा भवानी। आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बहुत ही गूढ़ जानकारी देने वाले हैं, जिसे जानकर आप लोग चौंक जाएंगे। क्या देवी देवता, मसानी मसान, भूत प्रेत शैतान, थान ब्रह्म, इनकी सवारी शरीर पे आती है, ये सच्चाई है या मनोरोग है? इसके विषय में हम आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि साधना क्या होता है और विशेषकर तंत्र साधना क्या होता है। क्या साधना पूर्ण है? तो इसका उत्तर जो हमने अपने अनुभव में पाया है, नहीं। साधना एक संसाधन है आपको आपके लक्ष्य में पहुंचने के लिए। साधना या शक्तियां आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन साधना कभी भी आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता है, क्योंकि साधना कामना से उत्पन्न होती है और कामना जब तक है तब तक आपको मुक्ति मिल ही नहीं सकती। इसलिए जितने भी सिद्ध तंत्र में ओझा सोखा भगत मरे हैं या सेवा किए हैं, वो सब सेवकदारी मुर्दा बनते हैं। अब समझते हैं कि क्या साधना से देवी देवताओं की सवारी लिया जा सकता है, तो इसका थोड़ा सा हम आप लोगों को विज्ञान समझाते हैं। साधना होता है समर्पण से, साधना होता है एकांत में, और साधना होता है कुछ विशेष मंत्रों से। तो मंत्र करता क्या है? आपकी कामना है कि मैं काली को सिद्ध करूं, काली तो सर्वत्र है, आपके अंदर भी है, क्योंकि वो जो डार्क मैटर है वही आपका चेतना है, वही काली है। परंतु एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम चले काली को सिद्ध करने और काली से उनकी ऊर्जा प्राप्त करने, गए शमशान गए, सबसे पहले हमारे मन में एक विचार बैठता है कि हम शमशान जाएंगे, शमशान काली को सिद्ध करेंगे, और भगवती शमशान काली का स्वरूप है, हाथ में खप्पर लिए, जीभ को बाहर निकाले, रक्त लिए, रक्त पीते हुए, दांत कटकटाते हुए आएंगे। अब ये स्वरूप हमारे दिमाग में, हमारे चेतन मन में बैठ गया है, और जब हम निरंतर मंत्र जाप करते हैं एकाग्रता के साथ एकांत में, तो हमारा अवचेतन मन उस स्वरूप को हमारे बाहर पैदा करने लगता है। हमारे अवचेतन मन से ज्यादा शक्तिशाली इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी शक्ति नहीं है। यकीन मानिए, किसी भी शक्ति के अंदर कोई शक्ति नहीं है, शक्ति होती है भगत के इच्छा शक्ति के अंदर, अर्थात इच्छा शक्ति मन से पैदा होती है। मन मजबूत तो दुनिया जीत सकते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जी। तो जब हम साधना करते हैं तो वो स्वरूप हमारे जो दिमाग में है, जो हमारे मस्तिष्क में है चेतन मन की, वो स्वरूप प्रकट होता है हमारे सामने, क्योंकि अवचेतन मन वो हमारे सामने लाता है। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसी हमारी दृष्टि होगी, और जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसे हमारे लिए सृष्टि बनेगी। एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए एक महिला है, खूबसूरत लड़की, उसे कोई बेटी के रूप में देखता है, उसका विचार में आया कि मेरी पुत्री समान है, विचार दृष्टि बना, दृष्टि उसके लिए सृष्टि बना, और वो उसे अपनी बेटी के रूप में प्यार करता है। कोई 60 साल का बूढ़ा है 18 साल की लड़की को बेटी की तरह देखता है, वही कोई 60 साल का बूढ़ा है लड़की को देखा और ए तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने लायक है, या ए बहुत ही कामुक है, ए विचार उसके मन में आया, विचार से उसका दृष्टि दृष्टि में आया और दृष्टि से उसकी सृष्टि बदल गई, और वो लड़की उसके लिए खूबसूरत सिर्फ भोग का संसाधन नजर आने लगी। तो याद रखिए, जब साधना में हम अपना विचार करते हैं, विचार हमारी दृष्टि बनती है, हमारी दृष्टि हमारी सृष्टि बनती है। कोई भी आपको तंत्र के जानकार या कोई भी बाबा या कोई भी गुरु आपको इतने गहरा ज्ञान नहीं दिया होगा।
अब हमारा अवचेतन मन काली के उस स्वरूप को जिसकी हम साधना शमशान में कर रहे हैं उस स्वरूप को पैदा करने लगती है, और उसमें उस स्वरूप को और पैदा किया जा सके, उस अवचेतन मन के उस विचारों में और ज्यादा खोया जा सके, इसके लिए कला भी वैसे करने लगते हैं। मुंड वाला पहने, लाल पीला चेहरे पे लगा लेना, जहां की शास्त्रों में सिर्फ एक ही चीज साधना के लिए ऋषि मुनि कहे हैं, कम से कम वस्त्र पहनना, लंगोट पहन लो, तौलिया लपेट लो, धोती लपेट लो, ठंडी का मौसम है तो आप वस्त्र भी पहन सकते हो। साधना में आसन माला कपड़े का कोई भी परहेज नहीं होता, क्योंकि शक्ति इच्छा शक्ति से जुड़ती है, न कि कपड़े से जुड़ती है या माला से जुड़ती है। तो उसके लिए उस हिसाब का वो लोग माहौल बनाते हैं साधना के लिए। जब माहौल बनता है, मंत्र जाप होता है, तो उनका चेतन मन से जो काली का स्वरूप है अवचेतन मन में जाता है, और चेतन मन आगे आ जाता है और चेतन मन पीछे चला जाता है, तो काली के उस स्वरूप को पैदा कर देता है आपकी आंखों सामने। फिर आपको वो चीज दिखाई भी देगी, वो चीज सुनाई भी देगी, और उसको आप महसूस भी करोगे, लेकिन ये घटित सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन उसको घटित करवा रहा है सिर्फ आपके लिए। और फिर काली प्रकट हुई, काली से आपने वचन लिया, आपका चेतन मन मजबूत हो गया कि हमारे साथ भगवती की शक्ति है, और उसके उपरांत हमें काली सिद्ध है। उसके उपरांत आप अपने अवचेतन मन से उस कुछ विशेष मंत्र हैं जो दिव्य हैं, मंत्र कभी गलत नहीं होते, ऋषि मुनि सिद्ध योगी उसको सिद्ध किए हैं, तो मंत्रों की कुछ पावर होती है, कुछ तुम्हारी इच्छा शक्ति होती है, जिससे लोगों को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि सामने वाले लोग अवचेतन मन अर्थात पागलपन के छोटे अवस्था में है, और आप अपने मन को इतना कंट्रोल करके उसमें से चीजों को प्रकट कर दिए हैं और वापस से उसको काबू में कर लिए हैं, इसलिए आप सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए आप सामने वाले के मन के ऊपर प्रभाव डाल देते हैं और वो ठीक होने लगता है। ये हुआ एक साधना का विज्ञान, जो कहते हैं काली सिद्ध है, तारा सिद्ध है, दस भाव विद्या सिद्ध है, ये सब के सब झूठ बोलते हैं। महाविद्या पूर्णता ब्रह्मांडीय ज्ञान है। अगर कोई बोले कि केमिस्ट्री की देवी केमिस्ट्री देवी है और मैं केमिस्ट्रियन देवी को सिद्ध कर लिया, अरे वो केमिस्ट्री है, वो ज्ञान है, ज्ञान कोई देवी नहीं होती है। लेकिन हमारा सनातन इतना प्रबल था, हमारे ऋषि मुनि इतना बुद्धिमान थे कि धर्म को महिलाओं से जोड़ा, शक्ति को महिलाओं से जोड़ा, भोजन बनाने को महिलाओं से जोड़ा, अन्नपूर्णा कहा कि घर संभालने वाले को गृहिणी कहा, घर की लक्ष्मी, स्त्रियों को महिलाओं को सम्मान मिले, यश वैभव उनका बढ़े, उनका कभी दुरुपयोग ना हो और समाज में मान सम्मान से रहे, इसलिए हमने हर ऊंची चीज को महिलाओं से जोड़ा। क्योंकि ऊर्जा का कोई भी आकार नहीं होता, ऊर्जा न पुलिंग होती है न स्त्रीलिंग होती है, लेकिन महिलाओं को सम्मान मिले इसके लिए शक्ति को दुर्गा से जोड़ा, शक्ति को काली से जोड़ा, शक्ति को अष्टभुजा से जोड़ा, शक्ति को हमेशा महाशक्ति को हमेशा फीमेल से जोड़ा, अन्नपूर्णा को फीमेल से जोड़ा, धरती जो जिससे हम भोजन करते हैं पैदा करती है, हर क्रिएटर को हमने महिलाओं से जोड़ा, जिससे महिलाओं का सम्मान बढ़े। अब रही देवी देवता भूत प्रेत ब्रह्म की सवारी आती है या नहीं, एक रिसर्च का विषय है, हमने अपने जीवन में देखा है प्रैक्टिकल सामने से। अब इसे चाहे मनोरोग कह ले, चाहे यथार्थ कह ले, झटका मारते हुए देखा है, ऐसे आदमी को उठा के ऐसे फेंक देते हुए देखा है, जबकि सामने वाले कुछ पता नहीं है। ब्रह्म मसान थान ब्रह्म के होते हैं, हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है ब्रह्म पिशाच का, और शिव के विवाह में भी भूत प्रेत का उल्लेख है, लेकिन ये मनुष्य के शरीर पे आते हैं। हाँ, इससे भी इनकार नहीं किया जाता कि आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को आते हैं। जितने देवी दरबार लगाते हैं या सवारी लेके दरबार लगाते हैं, इनका अवचेतन मन प्रबल है कि जिससे वो देवता उनके अंदर ही घटित हो जाता है। वास्तव में देवता कोई शरीर पकड़ के किसी के शरीर पे आता नहीं, इसका एक प्रमाण दे दूं, क्योंकि देवी देवताओं की शक्ति में कभी कमी नहीं होती। एक देवता बालक के शरीर पे आएगा तो बालक के शरीर के अनुपात काम करेगा, बुढ़े के शरीर पे आएगा बुढ़े ऐसे हिल के चला जाएगा, और जवान व्यक्ति के शरीर पे आएगा तो कूदम कादी चिल्लम चाली ताल मारेगा। क्यों? क्योंकि
मन शरीर के अनुसार ऊर्जा को पैदा करता है। उस शक्ति का विशेष मंत्र आपके अंदर उस शक्ति का तत्व घटित करता है। बाकी न तो कोई देव शनि देव हो या हनुमान जी देव हो, न कोई देव काम करने आते हैं तंत्र में, न कोई देवी देवता तंत्र में काम करने आते हैं। तंत्र में तीन चीज ही विशेष रूप से काम करता है। तंत्र में मंत्र काम करते हैं, इच्छा शक्ति काम करती है, और सामने वाले को संतुष्ट करना, उसके मन को इतना प्रफुल्लित कर देना, इतना पॉजिटिविटी भर देना कि वो उस दर्द को भूल जाए और वो ठीक होने लगता है। क्योंकि जैसा मन रहेगा वैसी आपकी दृष्टि रहेगी, जैसी आपकी दृष्टि रहेगी वैसी आपकी सृष्टि रहेगी। जैसा मन होगा वैसा विचार पैदा होगा, जैसा विचार होगा वैसे आपकी वाणी से निकलेगी, जो आपकी वाणी निकलेगी वो शब्द बनेगी, वो शब्द आपका व्यवहार बनेगा, और व्यवहार से आपका व्यापार जीवन बनेगा। ऊर्जा हर जगह है, अनंत है, फैली हुई है, सबके पास है, सिद्ध सब है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो सिद्ध नहीं है। एक देवी देवताओं की शक्ति पाके सिद्ध करके गुरु कहलाने वाले सब सिद्ध हैं। एक मजदूर फावड़ा चलाने में सिद्ध है, एक कसाई मुर्गा काटने में सिद्ध है, बकरा काटने में सिद्ध है, एक ग्रेडी भोजन बनाने में सिद्ध है, एक कारीगर अपना जो लोहार का काम करता है लोहारी करने में सिद्ध है, कुहार का काम करता है कुहारी करने में सिद्ध है। इसलिए किसी भी आम इंसान से अपने आप को ऊंचा न समझे कि हमने देवी देवताओं की कुछ ऊर्जा घटित कर ली है अपने अंदर, अपने अवचेतन मन के माध्यम से और मंत्रों के माध्यम से तो हम बड़े हो गए। बिल्कुल नहीं, ईश्वर ने सबको सिद्ध बनाया है, सब के सब किसी न किसी रूप में अपने आप में सिद्ध है। कोई कंप्यूटर चलाने में है, कोई बोलने में है, कोई राजनीति में है, कोई कूटनीति में है, कोई विदेश नीति में है, कोई व्यापार में है, कोई जो है क्वालिटी चेकर में है, हर काम में कोई ना कोई सिद्ध है। तो इसलिए किसी भी सिद्ध और किसी भी गुरु, आम इंसान या गुरु में भेद नहीं है। सिर्फ इतना भेद है कि गुरु अपने ज्ञान का उपयोग जन कल्याण के लिए करता है, बाकी के लोग अपने ज्ञान का उपयोग अपने परिवार के लिए करते हैं या तो जहां काम कर रहे हैं अपने मालिक के लिए करते हैं। सिर्फ इतना ही फर्क होता है, बाकी सिद्ध सब है, सब मनुष्य एक समान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, क्योंकि देवी देवता भेद नहीं करते हैं। और दूसरी चीज, साधनाएं होती हैं, साधना चलता ही है इच्छा शक्ति से। यदि आप जानते होंगे कि दरबार में बालाजी सरकार आ गए या काली आ गई, बहुत सारे YouTube पे देखते हैं या हमें वीडियो दिखाया जाता है, बहुत सारी हमारी बहनें हैं नाचने लगती हैं और ये माँ काली आओ जोड़े में आओ और आके करो क्या गुरु गोरखनाथ के साथ आओ और करो क्या नींबू उठाओ। इस सब पाखंड है, इस सब झूठ है, इस सब प्रतीत और वेद के नियम के विरुद्ध है, इस सब सनातन के विरुद्ध है। अब काली आए, महाशक्ति हैं, जोड़े में आए, गुरु गोरखनाथ के साथ आए, भद्रकाली आए, ये सब आगे करें क्या? नींबू उठाए, भूत भगाए, ये काम करने के लिए इनको, बस यही काम करने के लिए बाकी है। नाचना, जीव निकालना, क्योंकि ये कब घटित होता है? क्योंकि इनकी मसानियां होती है शीतला और काली की, जो कि महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों पर विशेष प्रभाव डालती है, कुछ नारियों पर विशेष प्रभाव डालती है। जब ये लोग पचरा सुनते हैं, देवी गीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो इनका अवचेतन मन इनके अंदर ये महसूस कराता है वो तत्व घटित हो गया और ये जीव निकाल के करने लगती है, वो कला करने लगती है। अब तो कला का हद तो ये हो गया कि अब कोई काम भी कर रहे हैं तो खप्पर पकड़ के काली का। इस सब पाखंड सब ड्रामेबाज है, ऐसे देवी देवता नहीं होते हैं। देवी देवता ज्ञान सरलता का दूसरा नाम है। काली तो कभी कपड़े ही नहीं पहने थे, दिगंबरा थी, लेकिन फिर भी अपने आप को उस अंधकार से ढकी थी कि देवी देवता भूत प्रेत असुर कोई भी उनका शरीर नहीं देख पाया। ये है भगवती की महिमा, ये है भगवती का प्रताप। तो इसलिए कुछ विशेष परिस्थिति में आते हैं और इसका प्रमाण भी है। जैसे सिद्ध मसान है, सिद्ध ब्रह्म है, इन्होंने अपने जीवन में ऐसे काम किए हैं कि पूरे भारत के लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिए हैं, विज्ञान को सोचने पे मजबूर कर दिए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है? तैलंग स्वामी जी महाराज इसका जीवंत उदाहरण है, स्वामी समर्थ जी महाराज जीवंत उदाहरण है, नीम करौली सरकार जी जीवंत उदाहरण। ऐसे बहुत दिव्य आत्माएं हैं जो मनुष्यों के शरीर पर प्रभाव या दुष्प्रभाव करती हैं, गुरु कीलाराम जी हैं, ये करती हैं। लेकिन
बहुत रेयर करती हैं, और अगर किसी के ऊपर देवी देवता आते भी हैं, हमने अपने हम तो शुद्ध गांव के हैं, हम तो शुद्ध तंत्र जानते हैं, ये शहरी नौकर की बात तंत्र नहीं जानते, क्योंकि हमें पता है ये सब तंत्र तो होता ही नहीं, ये सब दिखावा है। क्योंकि हमने देखे हैं अपने पूर्वजों में, जब सालाना या 3 साल देवता का कोई दिन निर्धारित होता था, तो परिवार में सबसे बड़ा या सबसे छोटा जो देवता का पूजन करता था, तो उस समय कुछ क्षण के लिए देवता की सवारी आती थी उसके ऊपर, वो भले उससे अनजान हो, भले कभी देवता की सेवा न की हो, क्यों एक परंपरागत थी, पीढ़ी दर पीढ़ी थी, कुल देवी देवता थे, वो अनुभव करा देते थे। अब बहुत जगह देखा गया है कि घर के कुल देवी देवता या शीतला आके एडवांस में बता दी है कि ऐसा होने वाला है, सावधान रहना। तो ये सब चीजें होती भी है, होती है 10% पाखंड है, 90% 100% का पैकेज बना के कुछ आडंबर करके, दिखावा करके, लगा के लिपस्टिक लाली लगा। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि काली हो या दुर्गा, एक युद्ध क्षेत्र में जा रही थी तो उनको मेकअप करने का समय कहां से मिला होगा, लेकिन नहीं, देवी देवताओं को बदनाम करने लिपस्टिक लाली ये सब करके, अब मुंड माला पहन के, रुद्राक्ष माला पहन के, अरे कोई युद्ध करने जाएगा तो गले में माला लटका दी जाएगा, मुंड माला लटका दी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। युद्ध युद्ध होता है और दिखावा दिखावा होता है, दोनों में फर्क होता है। अभी घर में एक कोने में सिलेंडर में आग लग गया तो आदमी कपड़ा तक छोड़ के भागता है, और यहाँ देवी देवता युद्ध करने जाते हैं, बढ़िया लिपस्टिक लाली लगा के, पूरा अपना गद्दी सजा के और आराम से बैठ के कि अब माता आएंगी, इस सब को माहौल बनाने का एक कला है और बाकी कुछ नहीं है। मंत्र भी काम करता है, तंत्र भी काम करता है, जब तंत्र होता है तो हर चीज पे इफेक्ट करता है। वास्तुविद उसको घर के वास्तु दोष से जान पाते हैं, एस्ट्रोलॉजी ग्रहों के दोष से जान पाते हैं, डॉक्टर बीमारी से जान पाते हैं, मनोविज्ञान दिमाग से जान पाते हैं, और जो तांत्रिक भगत है वो ऊर्जाओं से जान पाता है। जानते सब हैं, पता सबको लगता है, लेकिन विरोध एक दूसरे का करते हैं तो एक भी गलत है, लेकिन विरोध भी होना चाहिए। कब? जब एक पूर्णता गलत हो। पूर्णता गलत नहीं है, 10% होता है, 90% दिखावा है, 10% होता है, 90% दिखावा है। नहीं तो जो अपने आप को लगाते हैं 1 से 10 स्थान बता दे रहे हैं, वहां पे चले जाएं, कर दे पेशाब, आ जाए वापस, घर परिवार में दिक्कतें न बढ़ गया तो बताएं, तब उनको पता चलेगा निगेटिव एनर्जी भी होती है, ऐसे ऐसे अंसनी मसान है, ऐसे ऐसे भैरव स्थान है, ऐसे ऐसे ब्रह्म स्थान है। तुम गलती तो करके देखो, तुम नहीं मानते हो, गलती करके देखो। हमारे आंख की घटना है, हमारे दादाजी पहले डॉक्टर थे, एक मुसलमान थी गुसाई वीर महाराज की, उस पे हमारे खुद की प्रैक्टिकल बता रहा हूं, एक मुसलमान थी गुसाई वीर महाराज ब्रह्म थे, उनके स्थान पे पेशाब कर दी। आयुर्वेद के हमारे बाबा डॉक्टर थे, तो उसके उपरांत उनको लाया गया, वो बिलाई लिए कान में लगाए और कुछ मंत्र पढ़े, तो उसके ऊपर सवारी आई, मैंने इस गलती से काटा हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो बोले महाराज कैसे भी कर, तो मार मरौता हुआ, उसके बाद वो सही होगी। ऐसे भी घटनाएं होती हैं, लेकिन बहुत रेयर होती हैं, और शहरों में तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ऐसी चीज करने के लिए शक्तियों को भी उस स्तर पे जाना पड़ता है जिस स्तर के हैं। तो साधना से ऊर्जा तत्व तो घटित होता है आपके मन में, बुद्धि में, आपका मन बुद्धि जो है आपका दृष्टि बनता है, दृष्टि से सृष्टि बनती है, आप वैसे देखते हो। और इसे कोई मनोरोगी कहे या इसे कोई सच्चाई कहे, दोनों एक बराबर है। आज के लिए इतना ही, जय श्री राम।